तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे भाई आगे भी बढ़िया रहना। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं वो नई ब्लॉग के साथ। गाइस, आज हम करने वाले हैं घास की स्प्रे। देख सकते हो, ये दवाई को हम डाल रहे हैं बाल्टी के अंदर। और देख सकते हो, ये आज बच्चे भी हैं हमारे साथ में। बच्चे हाय बोलो। हाय। ऐसे करके यहाँ पर दवाई को घोला जा रहा है बढ़िया तरीके से। और देख सकते हो, वहाँ पर है अपना खेत। अब चल रहे हैं वहाँ पर। काफी टाइम लग रहा है इसको घुलने में। क्या बन गया? सरफ। और दवाई को इसके अंदर डाला जा रहा है टंकी के अंदर। इसमें और पानी डाला जा रहा है टंकी के अंदर, जो सारी दवा इसमें घुल सके। फ्रेंड, यहाँ पर हमने बाइक की चाबी निकाल ली है। अब हम जा रहे हैं अपने खेत के और कर सके भाईजान आराम से। देख सकते हो, ये हमारे भाई जा रहे हैं रोड के किनारे किनारे। काफी चल रहा है रोड। और मैं आपको बता दूं कि ये स्प्रे जो होगी, ये घास की स्प्रे है। आपने देखी है घास कितनी बड़ी हो चुकी है, आपको दिखाता हूं मैं। देख सकते हो, यहाँ पर टंकी ऑन हो चुकी है, स्प्रे स्टार्ट हो गई है। गेहूं तो लग गया, गेहूं जल जाएंगे इससे। गेहूं भी जल जाएंगे इससे। तो फ्रेंड, इतने एरिए में स्प्रे हो चुकी है। अब हम देखते हैं, देख सकते हो गाइस, यहाँ पर काफी दबर आ चुकी है। मेरे को दिख रहा है, हो सकता है कैमरे में नहीं दिखता हो। एक बार तो हो गई, डबल करें क्या? हाँ, और दवा है तो फिर कर देते हैं डबल वहां तक। फिर आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है 15 दिन के बाद।
काफी टाइम लगेगा, 15 दिन। 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, 15 दिन पूरी तरीके से। चलो गाइस, आप ऐसे ही बने रहना चैनल पे, आपको अगर इसका रिजल्ट देखना है तो मैं दिखाऊंगा 15 दिन के बाद। वहीं से करते हुए लाओगे? तो हमने जो ये गेहूं जो बिखरवाए थे ताऊ से 6 तारीख को, तो गाइस देख सकते हो आप, ये काफी बड़े हो चुके हैं। इनको गेहूं को 8 दिन हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। देख सकते हो फ्रेंड, ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है। देखो आप भी इसको फील करना, कितना मस्त लग रहा है। और काफी बड़े हो चुके हैं 1 हफ्ते में गेहूं। अब हमें जो है 7 दिन के बाद इसमें पानी लगाना है, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आएगी चैनल पर। उस वीडियो को जो जो देखना चाहता है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सके। यहाँ पर दवा खत्म हो चुकी है, हम और आ चुके हैं दवा खोलने के लिए। देख सकते हो ये बैग है दवा का, और भी रखे है हमारे बैग में। देखो ये है, यहाँ पर दूसरी टंकी भी तैयार हो चुकी है। दूसरी टंकी भी चालू हो चुकी है। हाँ यहीं पर होगा ना जनरेटर खड़ा। और फ्रेंड हम जो है पानी जो लगाते हैं वो मोटर से लगाते हैं, हमारे घर मोटर है, जनरेटर यहाँ पे लाते हैं। और जो है मोटर का बोर ये हैगा, देख सकते हो ये हम गड्ढा भी खोद रहे हैं 2 से 3 दिन से, इसको ही पूरा करना है। इसके अंदर बोर हैगा, इसको बोरिंग भी बोलते हैं। और ये बारिश के कारण दब जाता है, काफी गहरा गड्ढा है। यहाँ पर पूरी स्प्रे हो चुकी है। अब जो हम यहाँ पानी भरने के लिए आए हैं, जिससे हम उस टंकी को धोएंगे। पानी पी और ये बाल्टी भर रही है। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं खेत पे से घर, किसी कारण की वजह से आपको टंकी धोने की वीडियो नहीं दिखा सके। और गाइस अब मैं कपड़े वपड़े बदलता हूँ, क्योंकि अब मुझे ट्यूशन जाना है। दिखाता हूँ आगे की वीडियो भी, देखते हैं हमारे टीचर हमें कुछ गिफ्ट करते हैं या नहीं। आज चिल्ड्रंस डे है, आपको पता होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने हाथ मुंह धो चुके हैं, अब मैं कपड़े बदलता हूँ अपने, फिर चलते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। देखो तो फ्रेंड यहाँ पर हम मुंह हाथ धो के कपड़े बदल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। चलिए दिखाता हूँ आपको टाइम लैब में। और गाइस मैं टाइम लैब में इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और आपको नॉर्मल वीडियो में दिखाऊँ तो। गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं सर के पास, जो ये हमारे सर हैं, ये भी टोटल वीडियो बनाते हैं। सर आप अपना इंटरव्यू बोलना। मैं राहुल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हैप्पी चिल्ड्रंस डे है, और इस शुभ अवसर पर मैं बच्चों को कुछ प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और कुछ गिफ्टेड हैं जो मैं बच्चों को देना चाहता हूं। और मैं हर साल देता आया हूं, मुझे कम से कम 10 ईयर्स हो गए टीचिंग करते हुए, और मैं हर साल बच्चों को कुछ न कुछ मतलब प्राइज देता ही हूं।
ये मेरा उद्देश्य है। देख सकते हो भाई ये सर के चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करना, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और ये गिफ्ट जीबीए स्टडी की तरफ से। हाँ जी, ये आपको जैद पाशा विनोद के लिए। थैंक यू सर, वेलकम। तो फाइनल गाइस हम यहाँ पर ट्यूशन पढ़ चुके हैं, देख सकते हो ये सब हमारे फ्रेंड हैं, और अब अंधेरा भी हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है। चलिए गाइस अब हम घर चलते हैं, घर जाके एडिटिंग वगैरह करते हैं, फिर डालते हैं व्लॉग। ठीक है गाइस, ये आज का व्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय बाय।